Never be a successful person. Yes, you heard it right. कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन ना बने. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल पर्सन. है ना, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? आपके पास रोल्स रॉयस है, फैंटम लिमिटेड एडिशन, ब्लैक कलर की, मैट ब्लैक, तारे लगे हुए हैं उसके ऊपर, डायमंड्स बहुत सारे. तो क्या आप सक्सेसफुल पर्सन है? यस, क्योंकि वो किसी और के पास नहीं है या फिर बहुत लिमिटेड है. लेकिन अगर वो चीज सबके पास हो जाए, मतलब दुनिया के हर व्यक्ति के पास रोल्स रॉयस से मैट एडिशन डायमंड लगे हुए, तो क्या आप सक्सेसफुल हुए? नहीं, आप एक मीडियोकर बंदे रह गए, बहुत आम व्यक्ति, बहुत आम. तो आपको लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होना, आपको सेटिस्फाइड होना है. इसका कहने का मतलब क्या है? आप कई लोग दुनिया में ना बहुत रेस के अंदर है, बहुत रेस के अंदर है, पैसे कमाने की, गाड़ियों में, बंगलों में, लाइक मेरे को टॉप पे जाना है. उसके बाद क्या? मैं गेम खेलता हूँ, सपोज मैं पबजी खेलता हूँ, पबजी का नया अपडेट आने वाला है, आ गया तो क्या? मेरे पास वन प्लस 7 प्रो लेना है, मेरे को लेना, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, पागल हूँ, आ गया मेरे हाथ में, अब क्या? इसके बाद कुछ नहीं है. अगर आप सेटिस्फाइड रहोगे तो आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसमें सेटिस्फाइड हो, जो चीज़ें आ रही है आप उसको अप्रिशिएट करोगे. ऐसा नहीं कि लाइक क्रेविंग रहेगी, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. मिलती जा रही है. आप 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहे, 100 करोड़ कमाए, जितना मर्जी करोड़ कमाए. मैं पैसों में या गाड़ियों में कभी भी ये नहीं बोल रहा कि आप पैसे ना कमाएं. आप पैसे कमाएं, आप 10 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, आप 10 करोड़ की जगह 100 करोड़ कमाएं. लेकिन उसके अंदर कोई रेस नहीं होनी चाहिए, उसमें भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. अब सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? सक्सेस जो वर्ड है वो आता है जब हम कंपैरिजन करते हैं. एक पर्टिकुलर बंदे से दूसरे से हम जब कंपेयर करते हैं तो हम सक्सेसफुल होते हैं. कि मैं उससे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन. आई ओन्स 5 कार्स, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन. मेरे पास 4 घर है, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन. अगर यही चीज़ सबके पास हो तो आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, आप तो मीडियोकर रह जाएंगे. है ना, आप यूनिक नहीं रहे, लेकिन आप यूनिक हैं. आपके पास एक साइकिल भी है ना, तब भी यूनिक है. कैसे यूनिक है? आपके डीएनए के साथ. आपका डीएनए इतना यूनिक है कि ना वो पहले कभी था ना कभी होगा. आप इतने यूनिक है. आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज. आप देखो, मैं इस लैपटॉप को एसी के रिमोट से कंपेयर नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, फाउंडेशन बहुत अलग है. ऐसे ही हमारे को कभी भी इंसानों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका फाउंडेशन मींस द कोरेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनी ह्यूमन बींग इज द डीएनए. अगर डीएनए ही डिफर कर रहा है दो बंदों का, हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? तो जो जैसे चल रहा है लाइफ के अंदर उसको वैसे चलने दो. सक्सेस के पीछे मत भगाओ, सेटिस्फाइड के बारे में भगाओ. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं कभी प्रिंसिपल बना या कोई ऐसा कोई मॉडल टीचर बना, तो हमेशा उनको मैं पहले इंसान बनना सिखाऊंगा, बाद में अमीर बनना सिखाऊंगा. अमीर बनो, पैसे कैसे कमाने चाहिए, नेसेसिटी है, बट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपके अंदर. आप किसी का पेन समझ सको, आप अपना पेन किसी को बता सको, आपके पास रिश्ते होने चाहिए लाइफ के अंदर. तो ऑलवेज बी अ ह्यूमन फर्स्ट. आप रिच, पैसा बाद में है. तो वीडियो का तात्पर्य यही है कि आप कभी भी लाइफ के अंदर सिर्फ सक्सेस के पीछे मत भागो. आप अपनी सिर्फ खुशी, इनर पीस. आप देखो, कोई एक नॉर्मल सा एक्स वाई जेड पर्सन है जो बहुत कम पैसे कमाता है, रेड लाइट पे वो खड़ा होता है, रेड लाइट पे पैसे मांगता है सपोज, है ना. वो दिन के 100 रुपये कमाता है, लेकिन 100 रुपये में वो खुश है, वो खाता है और सो जाता है, मैं खुश हूँ. लेकिन जो 200 करोड़ रुपए महीना भी कमा रहा है वो खुश नहीं है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो खुश नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो खुशी ना खुशी का कारण क्या है? सेटिस्फेक्शन. आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते जो आपके पास है, जो भी रिसोर्सेज है. वो कार हो सकती है, घर हो सकता है, पैसा हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, जितने भी रिसोर्सेज है उनका जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें. अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे रिश्ते बनाए. सक्सेस के पीछे मत भागे, पैसों के पीछे मत भागे, अपना इनर पीस. आप मतलब कहीं पे जॉब कर रहे हैं 1 लाख रुपए की, वहां पर इनर पीस नहीं. आप 15,000 रुपये में शांति से काम कर रहे हैं, तो 15,000 रुपये का वर्थ बहुत ज़्यादा है आपके लिए. हर चीज़ फाइनेंस नहीं होती. आपका जो लाइफ है ना, बेसिकली हमारे 4 टायर्स पे चलती है. हमारी जो गाड़ी है वो 4 टायर्स पे चलती है. पैसा, हमारा घर, हमारे रिश्ते और हमारी हेल्थ. हमारे को इन सबको बैलेंस्ड करके रखना पड़ेगा. मैं अपनी हेल्थ इतनी बना लूँ कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, गाड़ी नहीं चल पाएगी. मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर लूँ, लेकिन घर के जो मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मैं उनके साथ रिश्ता ना बना के चलूँ, गाड़ी रामाडोल. आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है. अपनी मेंट, आप अंदर से परेशान है,
मतलब आपकी हेल्थ खराब है ना, और आप अंदर से आप खिंचेंगे, खिंचने की वजह से आप घर में लड़ाई करेंगे, घर में लड़ाई करेंगे तो शायद आपके पैसे में भी अफेक्ट हो, आप काम पे उतना ध्यान ना दे पाओ, गाड़ी डामाडोल। तो आपको ध्यान देना है सेटिस्फेक्शन, इनर पीस, मोस्ट प्रायोरिटी जो आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए वो है आपकी इनर पीस की। मेरे को अंदर से खुश रहना है, मेरे को इस चीज़ में शांति मिलती है, मैं वो काम करूँगा, मैं पैसों के लिए नहीं करूँगा वो काम, जो मर्जी काम करें सिर्फ इनर पीस के लिए। वीडियो को लंबी नहीं करते, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। ओम शांति, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ। आप इंस्टाग्राम पर मेरे को DM करें, कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल फिजिकल डाइट न्यूट्रिशन कुछ भी, लाइक आपको ये नहीं डिसाइड हो रहा ना घर में सीमेंट कौन सा लगना चाहिए, मैं रिसर्च करके वो भी आपको बताऊंगा। आपके जीवन का कोई भी डाउट है मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछे, मेरे सिर पे बाल नहीं आ रहे, मेरे खाने के अंदर मम्मी नमक ज़्यादा डाल देती है, जो पूछना आप पूछे, हर चीज़ का निवारण करूँगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ खुशियाँ बांटो और खुशियाँ लो और बांटो, बस सिर्फ खुश रहो, इनर पीस, ओम शांति। ये हम वीडियो ख़त्म करते हैं, मेरा नया टैटू बना है गौतम बुद्ध। मैं एक वीडियो सोच रहा था, डेडिकेटेड वीडियो, द मीनिंग ऑफ माई टैटूज। ये मेरी फुल आर्म जो है वो टैटू से भरी हुई है, तो इनका मतलब बहुत डीप मतलब है, और ये पूरी दुनिया में आपको कहीं पे पैटर्न नहीं मिलेगा, ये बहुत यूनिक है। इसको हम फिर किसी वीडियो के अंदर बताएंगे, अभी के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं। ओम शक्ति पावर बूम।